To Aurora, the incubator of World 2.0. My name's Jay Skell, and we've been expecting you. You've been invited here to innovate, to invent, and to create. But we're also asking you to do the most important thing with your lives that you can do. Here, away from the rest of the world, we will build the tools to lead the planet into the future. A completely sustainable economy, a blossoming environment, safe homes, security for your family, and a community where innovation is celebrated. The generations that come after us may forget all about us, but they will thrive because of the work we do here. Thank you for joining Skelltech in Aurora. Together, we are building tomorrow. ओके गाइस, नमस्कार देवियों और सज्जनों और मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए गेम प्ले में और एक नई कहानी में जिसका नाम है घोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट। गाइस, बहुत टाइम से इस गेम का मेरे को इंतज़ार था और ये घड़ी आ गई। मतलब मैं काफ़ी टाइम से इस गेम का इंतज़ार कर रहा था। इसमें बहुत सारे धमाका है, तो मज़े करना आप लोग यार। और फिलहाल हमें कोई कैरेक्टर लेना है, ठीक है। मैं गेम को बहुत टाइम से खेलना चाह रहा था लेकिन खेल नहीं पा रहा था। फिलहाल दो कैरेक्टर है, कि डैनियल अच्छा लग रहा है थोड़ा, और ये पॉल डिक्सन अच्छा लग रहा है। कौन अच्छा लग रहा है यार? कौन अच्छा लग रहा है आप लोग बताओ। ये थोड़ा ठीक भी लग रहा है, पॉल डिक्सन इसे लेते हैं, ठीक है। ओके ओके, नाउ व्हाट? आई कलर ब्लू रखते हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे भी कुछ खास पता नहीं है। नहीं यार, ये गंदी लग रही है, ये भी बेकार है बहुत। ओके नाइस, बहुत सारा इसमें क्यूब है। ये तो साइबर पंक की तरह है गाइस, बिल्कुल तरह। और रेड डेड में भी ऐसा है, रेड डेड में भी आप अपनी दाढ़ी वगैरह काट सकते हो, और साथ में साइबर पंक में भी। तो फिलहाल मैं ज़रा एक मिनट कर लूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ इस गेम के बारे में, क्या कि क्यों इतनी खास गेम है और मैं कब से इसे खेलना चाह रहा था लेकिन बहुत सारे दिक्कत आ रहे थे, इस वजह से नहीं खेल रहा था। फाइनली मैं ये गेम खरीद रहा हूँ, मतलब बाय किया और ख़रीदा। और देन फिर नाइस, कम ऑन स्कार्स, क्या करेंगे हम, किसी काम का नहीं है। स्कार से फेस अच्छा रहना चाहिए। स्टार्ट विद दिस अपीयरेंस, ऑफ कोर्स इस अपीयर, बियर्ड नहीं है, बियर्ड होता है ना, दाढ़ी, दाढ़ी नहीं है इसमें, कहीं नहीं थी। चलिए बाद में देख लेंगे कभी, कोई बात नहीं। तो फिलहाल शुरू करते हैं, चलिए और बताता हूँ आगे इस गेम के बारे में क्या है, ठीक है। थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले ज़रा देख लें ये क्या माहौल हो रहा है। We are taking fire. Okay. Oh, I think ये किसी हेलीकॉप्टर में है और इन पर फायर किया जा रहा है। ओ माई माई, लगता है सारी की सारी हेलीकॉप्टर हीरो क्रैश हो गई। शुरुआत में इतने बड़ा धमाका के साथ शुरू हुआ ये गेम, बहुत ही ज़्यादा। अरे भाई, इतना डरा मत,
ये तो हमारा ही प्रोटैगनिस्ट है। क्या हो भाई, ये ऐसे क्यों देख रहा है? ऐसे क्यों देख रहा है भाई? अरे अरे, वो देखो खून इसके ऊपर जा रहा है, आप लोग ध्यान से देखोगे तो। ओह शिट, आई थिंक किसी तरह का हमला हुआ इन लोगों पे। नो मैड इसका नाम है। ओके तो इनका भी गाइस, ओह माय गॉड, ये तो बीज है गाइस, जो वो होती है ना मधुमक्खी, वो है ये मधुमक्खियाँ थी, तो मधुमक्खी का झुंड था वो, था ये तो। ओह माय गॉड, ओ ये पेड़ पे टंगा था, मुझे लगा कहाँ टंगा है ये, ऐसे क्यों दिख रहा है? ओके कहानी, ओह शिट, इनके सारे टीममेट्स भी चले गए। ओह माय गॉड, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा होगा कि यूएस मरीन्स ने अमेरिका की, यूएस मरीन आप लोग को ही पता होगा, उसने ऑपरेशन ग्रीन स्टोन शुरू किया, कोई अरोरा नाम के एक जगह पे पैसिफिक कोसिंग के पास है, अभी देखा होगा वहाँ पे ये 32 घोस्ट जा रहे थे। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे गाइज सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स नहीं हैं ये घोस्ट हैं, इनको आप लोग घोस्ट बोलना। और ये पूरा गेम एक तरह से कॉम्बैट मोड में भी है और स्टिल्थ मोड में भी ये गेम है, दोनों तरह से ये गेम है ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये स्टिल्थ ही होगा। और इसमें आप जो सोल्जर्स ये दिख रहे हैं इनको सोल्जर्स नाम से हम नहीं बुलाएंगे, इसमें हम इनको घोस्ट के नाम से बुलाएंगे, घोस्ट ठीक है। और इसका एक और पार्ट है घोस्ट रिकॉन, ओके दैट्स इट, घोस्ट रिकॉन विलेंस भी है, और ये ब्रेक पॉइंट है जो कि आई थिंक 2019 में आया था, मैं उस समय चैनल नहीं था ये, बाद में, अब तो एक चैनल बनाया मैंने, लेकिन काफ़ी तमन्ना थी मुझे गेम खेलने की बहुत टाइम से, तो आज फाइनली खेल रहा हूँ। और फिलहाल मुझे भी कहानी कुछ पता नहीं। ओके और ये हील करने का ऑप्शन आ रहा है, तो फिलहाल हील करते हैं। ओके और यहाँ पे ये एनर्जी हेल्थ बार है नीचे जो दिखाई दे रहा है अभी, क्या ये तो प्रोलॉग मिशन है ना, इंट्रो है एकदम, तो यहाँ पे तो अभी समझ में भी नहीं आएगा। ओके ऑल राइट, तो इस भाई ने हील कर ली, ऑल राइट, तो हमें करना क्या है, इंटरफेस दिखा दो भाई। इन्वेस्टिगेट द क्रैश हेड, ओके वो जो गोला गोला दिख रहा है ना 430 मीटर, उस ईगल्स डाउन जहाँ लिखा हुआ वहाँ हमें जाना है और उसको इन्वेस्टिगेट करना है। फॉलो द स्मोक कॉलम से ऑफ कोर्स, ओके ये ऐसे चलता है, ओके डोज होता है, मैं जरा कंट्रोल्स देख लूँ एक बार। ऑल राइट, ओ वाओ इससे सप्रेसर भी निकल जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। और ये हमारा वीपन व्हील, आई थिंक हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है, ये बुलेट थ्रो है, और ये हमारे पास एक एड्रिलिन बैंडेज है, सॉरी एड्रिलिन भी नहीं। तो आइए चलते हैं पहले, और उस क्रैश साइट जो है वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। और हम जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे इनिमी व्हील्स होंगे, पीछे तो नहीं है कहीं, चलो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं आखिर यहाँ पे क्या है। तो फिलहाल इस गेम के बारे में मुझे भी कुछ खास पता नहीं है ठीक है, नॉर्मली मैं तो बस खेल रहा हूँ, ये इंट्रो है, आगे देखेंगे क्या कहानी है, बस इतना सा अभी पता चला कि कोई बंदे हैं ये लोग, 32 घोस्ट्स की टीम थी जो कि अभी आपने देखा क्रैश हो गए और इनके सारे बंदे मर गए, बस ये नोमैड इसका नाम है इस कैरेक्टर का जो बच गया। अब साइबर पंक वाला नोमैड मत समझ लेना आप लोग, ये अलग नोमैड है। ओके तो फिलहाल हम इसी के साथ बढ़ चले हैं, इसे क्रैश साइट है यहाँ पे। ओके ओ माय गॉड, यहाँ पे कोई है, क्राउच, ओके ये क्या है यार, ओ माय गॉड, ओके ये मैप में, मिनी मैप में दिखा रहा है कि इनिमी है कहीं इधर। अच्छा देखेंगे जहाँ होंगे, ओके ये रहे ईगल्स टाउन, और ये इसमें बहुत अच्छी एक बात है ये प्रोन करने की, ये देखो आप लोग, मैं प्रोन कैसे करता हूँ, इसमें प्रोन का मतलब ऐसे, ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, मतलब ऐसे, मतलब बहुत मैंने कम देखा है, नॉर्मली जितने भी आप गेम खेलोगे उसमें बस ऐसे ही इतना ही तक होता है, या फिर आप ऐसे सीधा हो सकते हो, ये प्रोन का सिस्टम तो बहुत अच्छा है और आप ऐसे जा भी सकते हो। और फिलहाल यहाँ पे मुझे स्टेल्थ मोड में ही खेलना होगा क्योंकि मेरे पास गन्स वगैरह और ना ही कुछ है, और यहाँ पे बंदे मुझे दो ही दिखाई दे रहे हैं, वैसे भी सप्रेसर है तो एक की पहले लेते हैं, उसको तो पीछे से भी ले लेंगे, इसकी लेते हैं पहले। ओके हमारे पास मार्क करने का भी ऑप्शन है,
ऐसे यार ले सकते हैं इसे, आइए पीछे से कोशिश करते हैं इसकी लेने की। ऑल राइट गोली नहीं चलाएंगे। वो उधर आई थिंक बात कर रहा है कहीं पे, और जितना देर में बात करेगा उतना देर में हम इसकी ऐसी की तैसी कर सकते हैं। ऑल राइट इजी। तो हमने उसे नॉकआउट किया है, मरा नहीं है वो। फिलहाल इसकी भी लेते हैं आइए। वैसे मैं धूम धड़ाका कर सकता हूँ। अरे यार शिट, बाप रे बाप, इसमें तो खतरनाक गोलियां पड़ती हैं भाई। मेरी एनर्जी तो यूं खत्म कर दी इसने। अरे जान कैसे गया कि मैं यहाँ पे हूँ, कैसे इसने पता लगा लिया? ओह माय गॉड, दिस इज इनक्रेडिबल यार। ओके एमओ भी मिली इसके पास से। इसके पास से कुछ मिला नहीं, इसके पास तो कुछ नहीं है। इधर में कुछ ये कुछ दिखा रहा है। ओके फिलहाल बाद में देखेंगे, हमें जहाँ जाना है हम वहाँ चलते हैं। ओके ये रीलोड कैसे होता है भाई? ये ऑल राइट, ये कोई है इधर? अभी फिलहाल तो आवाज़ तो आ रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, होंगे तो ले लेंगे उनकी भी। ऐसे ही ग्राफिक्स तो क्या यार, आप लोग मतलब उसको 360 पे भी देखोगे आप लोग तो। मिला हमें एक, ओके R1 टू ओपन द आइटम व्हील, ऑल राइट एंड R टू सेलेक्ट इक्विप। ओके इसे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ आइटम्स को। ये क्या है? ऑर्डर्स, ऑल राइट ठीक है समझ गया। चेक करते हैं इनको भाई साहब को, आखिर यहाँ पे क्या है। ठीक है मेरी अगर आवाज़ आप लोगों गाइस कम लग रही होगी तो प्लीज़ माफ़ करना यार, वैसे भी बहुत सर्दी है मेरे यहाँ, तो ठंड इतनी है कि दिमाग ख़राब हो जा रहा है। तो इस वजह से मेरा हाथ वगैरह सब कुछ एकदम नहीं होता, ठंड हो गया एकदम, पूरी तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है यहाँ पे, इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ में भी प्रॉब्लम होगी मेरी। मैं 2 दिन से आप लोगों को क्या बताऊँ, नहाया भी नहीं हूँ, इतना ठंड लग रही है। तो प्लीज़ आप लोग आवाज़ पे मत जाना मैं एकदम। फ़िलहाल क्या है कि मैं जब कोई भी नया गेम शुरू करता हूँ ना तो ऐसा ही करता हूँ, आराम से इजी तरीके से जाता हूँ और आराम से बातें करता हूँ। फ़िलहाल गेम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि क्या है कि हमें ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है। और फिलहाल ओके दो दिख रहे हैं मुझे, ये क्या चीज़ है? ऑल राइट ये ऑप्शन भी है इसमें, अब इससे ज़्यादा अच्छा ये है सर्कल वाला। आई थिंक मैं प्रोन करके मारूँ तो ऑल राइट। ये देखो ये क्या है इसमें खलास गाइस, देखो मतलब आप जिस जिस मैंने जगह पे हो, जैसे कि ये अभी कीचड़ टाइप में है ना, और तो वहाँ पे ये इस टाइप का कर लिया इसने, और जैसे इसे कोई पहचान ही नहीं पाएगा और मैं आसानी से इसे मार भी सकता हूँ और पता भी नहीं चलेगा इन्हें। ऑल राइट लेट्स डू दिस। से मैं दिखूंगा ही नहीं, चल तू भी जा। अरे 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 छुपने से क्या होगा बेटे? ओह शिट, बी केयरफुल, ही मस्ट बी वन टफ सन ऑफ अ बिच। ऑल राइट आजा। ओह या मर गया। ऑल राइट आगे बढ़ते हैं अब।
अब थोड़ी सी शायद तकलीफ होगी शुरुआत में खेलने में, लेकिन आगे जाके नहीं होगी। ओके, ये क्या है? स्किल क्रेडिट। ऑल राइट, और हम बॉडी को भी कैरी कर सकते हैं, ये देखो अच्छी बात है। तो कि शायद कुछ तो जिंदा हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पूरी तरह से जल के राख है यार। ऑल राइट, देखते हैं क्या हुआ। व्हाट्स हैपन मैन, कम ऑन कम ऑन। ओके, तो शायद कुछ जिंदा तो हैं। दिस इज वीवर, कम इन, ओवर। This is Weaver. Come in. Over. Anything? Okay. Who got? दो चार, चार लोग तो जिंदा हैं। Oh shit. Oh shit. Contact. Contact. Oh, इस झटके में तीन। Oh my god. ये कौन है भाई? ये तीन लोग हैं। तीनों को इस झटके में मार दिया। ये है कौन लोग? यानी कि हमारे दुश्मन नहीं है। ये तो हमारे दोस्त हैं, जो आपने अभी देखा। ये भी दोस्त ही हमारा। Walker. Oh my my, Walker. तो आप लोग इसे पहचानते हैं इस कौन है? ये बहुत ही फेमस हॉलीवुड का हीरो भी है ये। और अगर आपने वेब सीरीज द पनिशर देखी होगी, पनिशर द पनिशर वेब सीरीज, उसमें ये मेन किरदार में ये बंदा, इसका नाम वॉकर है आई थिंक। ओह माय गॉड, ये डेंजरस एरिया हुआ। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? ओके, तो इसने ही इनके सारे बंदों को मारा है और ये ऊपर में जा रहा है। ये वॉकर है जो उस हेलीकॉप्टर से जा रहा है यहाँ से। और आई थिंक हमारा जो इनिमी है, इनिमी समझते हो ना आप लोग, मतलब जो हमारा मेन इनिमी है वॉकर ही है। फिलहाल हमें क्या करना है? फॉलो द स्मोक कॉलम्स। ऑल राइट, ये क्या ऑप्शन आ गया? डेंजरस आर वेरी डेंजरस इनिमी हैव अ मार्कर ओवर द रेड। ओके, अगर कोई नॉर्मल इनिमी होगा दोस्तों तो ये ऐसा उजला रंग का बन के आएगा, वाइट कलर का। और अगर कोई ज़्यादा खतरनाक होगा जैसे कि हमने अभी देखा, तो ये रेड बन के आएगा। ऑल राइट, समझ गया। वाओ, ये हमारी गेयर्स हैं। इक्विप न्यू वेपन्स एंड गेयर टू इंक्रीज योर गेयर लेवल एंड ओवरऑल पावर। ओके, मैंने कहा था ना आप लोगों की बहुत शानदार ये गेम होने वाली है। ये देख लो आप लोग, काफ़ी कुछ है यहाँ पे यार। टोपी वगैरह सब कुछ है, ग्लव्स वगैरह। फिलहाल तो कुछ है नहीं हमारे पास, एक ही चीज़ है सब। गोली भी सस्ती सी गोली है, ये क्या है? ओके, हम क्राफ्ट भी कर सकते हैं। नाइस, क्लिक ऑन रेसिपी। ऑल राइट, ये होती है फ्लैशबैक। ओके, नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। ओके, ऑल राइट। और ये गाइस मैप है, देख लो मैप कितनी बड़ी है इसकी। इतना बड़ा मैप है इसका, मतलब काफ़ी बड़ा गेम है ये, छोटा मोटा गेम नहीं है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या लिख रखा है? ओके, ऑस्ट्रियल ऑस्ट्रल ओशन लिखा हुआ, ठीक है। ओके नाइस, क्लियर। हाँ ये रहा ना, मैं बियर्ड जो मांग रहा था, बियर्ड जो मुझे चाहिए था, ये बियर्ड नहीं यार, ये ठीक नहीं है। गुस्सा मत होना यार आप लोग प्लीज़ यार, बस थोड़ा सा कर लूँ। ओके, ये ठीक है, लॉन्ग बियर्ड यार, बिना बियर्ड के मज़ा नहीं आता। ओके, ये क्या है? फेसियल पेंट, नहीं ये सब नहीं चाहिए। मैं कोई कमांडो नहीं हूँ, मैं घोस्ट हूँ, घोस्ट। वाओ, ये तो बात की चीज़ें हैं। फिलहाल जो हम करना चाहते हैं वो करते हैं। ऑल राइट, ये क्या है? प्लेयर वर्सेस प्लेयर, फोर वर्सेस फोर। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना भूल गया यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि इसमें आप पूरी टीम बना सकते हो अपनी। मेरी पूरी टीम होगी, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी में होती है ना, मेसन रूट्स की टीम और वगैरह वगैरह, टीम आप बना सकते हो। फिलहाल यार चलते हैं यहाँ पे, जो भी काम करें। हमने दो इन्वेस्टिगेट कर ली क्रैश साइट, अब तीसरी कहाँ है? ओके, इधर में है तीसरी, तो चलिए वहाँ चलते हैं, जो कि दिख रही है यहीं से एकदम साफ। ओह माय गॉड, ये दो गाइस कितना होशियार था, ये मेरे बगल में से गुजर रहा था, मैं और मैंने इनको देखा ही नहीं। क्यों भाई साहब, पूछ लेंगे इनको तो यार, खड़े खड़े लूँगा ऐसे ही। ये मच्छर हैं साले मेरे सामने। चल भाई चल, निकल निकल, क्या है तेरे पास? निकल, एमओ है, बहुत बढ़िया एमओ दे दे। तेरे पास कुछ है? अरे क्या गरीब है।
Oh shit. ओके okay. कितने हैं यहाँ पे? ओह शिट, और भी है क्या? नहीं, तो ये लोग जानते हैं ये घोस्ट हैं, ये जो बंदे हैं ये लोग जानते हैं कि ये घोस्ट हैं, इन सब की लेते हैं यार बारी बारी से, क्या बोलते हो आप लोग? वो ट्रेन भी जा रही है वहां से, कोई नहीं, चलो वो लोग चले गए, निकल गए, फिलहाल इधर हैं सारे के सारे। हम क्रैश साइट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, मैं मारना तो चाहता था लेकिन वो लोग काफ़ी इधर चले गए और मुझे जाना इधर है तो मुझे कोई ज़रा दिक्कत नहीं होगी इनसे। वन मिनट, लेकिन एक बंदा है यहाँ पे, ये साला, ये देख रहे हो आप लोग, इसके पास बाइना कूलर्स है, ये शायद मुझे देख सकता है। इनके बंदे कितने थे? टोटल तो तीन दिखाई दे रहे हैं मुझे, और भी है, तीन नहीं है। कोई गड़बड़ ना हो जाए मैं वहां जाऊं तो। और एक ये रहा, चार। ओके, ये लोग ढूंढ ही रहे हैं उन लोगों को जो कि क्रैश में बच गए हैं। अरे यार ये प्रोन क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? शायद यहाँ नहीं होगा प्रोन, यहाँ पे होगा। ओके अब यहाँ पे तो फिलहाल गाइस, ओके ये हो गया प्रोन, ऑप्शन आ गया। अब इनकी लेते हैं। ओह शिट, यहाँ पे तो झाड़ियाँ हैं यार, सही से दिख नहीं रहे। ओके ओके ओके, पहले इसकी लेते हैं, ये खतरनाक लगता है। ओके एक और बंदा है, ओके ओह शिट, मैंने इसको मार्क नहीं किया था। और भी है क्या? ऑल राइट, ओके मैंने उसको मार्क नहीं किया था इसलिए मुझे पता नहीं चला यहाँ पे भी एक बंदा है, नहीं तो इसकी भी ले लेता मैं। ओके वाओ, ये पैड मिला, बढ़िया यार। अच्छा इक्विप कर लेंगे बाद में, पहले फिलहाल ये क्या चीज़ है? हाँ इसे भी उठा लो, सारा चीज़ उठा लो, कुछ भी मत छोड़ो भाई, कुछ भी नहीं छोड़ना अभी फिलहाल, हम गरीब हैं, जब अमीर बन जाएगा तब छोड़ेंगे, ठीक है अभी नहीं फिलहाल। ओके इस बंदे के पास भी कुछ है, मैं लूटने में आगे रहता हूँ हमेशा, किसी भी गेम में आप देखोगे मेरा, साइबर पंक वगैरह भी देखो आप। ये देखो हमारा प्रोटैगनिस्ट अब कैसा लग रहा है, अरे इधर भी दिखा दे शर्मा मत, हाँ ये दाढ़ी के साथ थोड़ा ठीक लग रहा है। ऑलराइट तो चलिए ये तीसरा क्रैश साइट को इन्वेस्टिगेट करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है भाई, क्या मामला है। ओके ये क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस? फ्रैंक ग्रेनेड, वाओ नाइस। और ये आई थिंक जो हरा हरा में दिख रहा है ना वो सिरिंज है, और बाकी ये फ्रैंक ग्रेनेड्स है। इनको मैं ले कैसे सकता हूँ? कोई तरीका तो होगा।
आई डोंट नो, फिलहाल बाद में देख लेंगे। इस क्रैश साइट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। चल भाई चेक कर आखिर यहाँ पे क्या हुआ। दो तो कर लिया इसने। Mayday, this is Ghost Lead. Does anyone read? Okay, ये घोस्ट का लीडर है। Who is this? A friend. I got the radio from a ghost. Is Ghost still breathing? Ghost Lead, you can chase the White Rabbit. Or run with the Red Queen. Give me a sit rep. That can wait. Your man's getting medical treatment. Follow the trail behind the ancient ruins. Your destination is in the mountains between two waterfalls. Okay. Understood. Ghost Lead out. ओके, तो जो लीडर था इन घोस्ट का ये यही था खुद, जो कि बच गया भगवान की दया से। और हमें कोई ओके 641 मीटर गैज दिखा रहा। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। द ट्रेल लीडिंग द ट्विंस फॉलो माउंटेन स्टार्स बिहाइंड द एंशिएंट रूइंस। ओके, द ट्रेल लीडिंग टू द ट्विंस फॉलो माउंटेन स्टार्स बिहाइंड द एंशिएंट। हमें यहाँ जाना है, इस जगह दिख रही है आप लोगों को 692 मीटर, वहाँ जाना है। और मैं इनको मारते जाऊंगा गाइस। ये भी है यहाँ पे। ऑल राइट ऑल राइट, इजी इजी इजी। तो भाई चलिए आप लोगों से मैं वहीं मिलता हूँ, ठीक है। 1.5 किलोमीटर है ना, वहीं मिलता हूँ, ठीक है। चलिए वहीं मिलते हैं आप लोगों से। ओके, तो आई देखिए हम पहुँच गए इसी जगह पे। गाड़ी यहीं रोकते हैं, आई थिंक कुछ इनमी है लगता है यहाँ पे, उनकी गाड़ियाँ दिख रही है मुझे। ओके, हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी है, नाइस, बहुत अच्छा यार। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। इंटर द केव। ओके, विच केव? ओके, अच्छा ये रहा केव। आई थिंक यहाँ से हमें फ़ोन आया ना, कॉल आया था अभी आपने देखा, किसी बंदी का, लड़की का था, लड़की का आवाज़ था कि मैंने एक घोस्ट से ये रेडियो लिया है और क्रॉस पासेज। ओके, इसे पास कर सकता हूँ क्या मैं? तो वो कहेगी तुम यहाँ पे आ जाओ, टॉप ऑफ द माउंटेन पे। ऑल राइट, ये हम कहाँ पे आ गए देखते हैं कौन सी जगह। ओह शिट, हु इज दिस? हु इज दिस? आई वाज इनवाइटेड, हु द हेल आर यू? अनदर वन। यू कैन ऑलवेज टर्न अराउंड एंड गो बैक डाउन द माउंटेन। थिंग्स आर अ लिटिल टेंस, यू नो, जस्ट वॉच हाउ यू हैंडल दैट वेपन। वी डोंट अलाउ शूटिंग इन एरवान। And what's Erewhon? The cave, so we call it. Get in. Okay. तो Erewhon, इसने पूछा ना कौन है, तो इसने बोला इस केव का नाम हमने Erewhon या जो भी नाम बताया इसने वो रखा है हमने। वाह यार, अच्छी नाम है। ओके, फिलहाल क्या करना है? Enter the cave. All right. Objective complete. तेज भी नहीं चलेंगे भाई साहब। भाई थोड़ा तेज चल ले, पैरों में दर्द हो रहा है क्या तेरे? मोटरसाइकिल पे से तू आया अभी, अब हमें जाना कहाँ है? What is this place? I don't know, bro. मैं भी पहली बार आ रहा हूँ तेरे साथ, मुझे कहाँ से पता होगा। और जिस हिसाब से दिख रहा है यार, ये तो मतलब किसी केव के अंदर पूरी दुनिया बसा रखी है इन लोगों ने, किसी को अंदाजा भी नहीं है इस चीज़ का। वाह नाइस। और इस बंदे से आई थिंक बात करना हमें। ओके, इसी बंदे से बात करना हमें। हमारा मिशन फिलहाल यही है। वाओ, दिस इज अ नोमैड। यू बॉयज आर राइट और व्हाट? ओह, ये बंदे बच गए थे। ओनली टू लेफ्ट इन आवर चॉक। ओहो, यही दो सिर्फ बच पाए हैं। ओ जोन्स, बिटवीन द टू ऑफ अस वी गॉट टू राइफल्स एंड एट मैग्स। लोकल्स गॉट वाटर हियर। Some supplies. ये तो जानते ही होंगे नहीं ना, ये तो इनका लीडर ही है। ये भी बच गया था, ये दो लोग और बचे। Of course, God damn, यार। देखने से लग रहा है आप लोगों को कि मतलब यार इसके अंदर पूरी दुनिया बसा रखी है इन लोगों ने, तो इमेजिन कितने सारे आदमी इसके अंदर छुप सकते हैं। No clue, but there are definitely hostiles out there. Okay. Tiny with some troops out there who were calling themselves wolves. You know who we're dealing with? Now you're dealing with me. Oh, whoa, whoa. Who is she? Here, corner, face up. You the one in charge here? Who's asking? My call sign's Nomad.
I'm the officer in charge of this operation. ये ऑपरेशन ग्रीनस्टोन था गाइस। By operation, I assume you mean the massively wild screw up. इसका नाम क्या है? Maria Ochoa. Playing nice. He's trying to find out why a bunch of grunts are falling from the sky. Mad Sklooze, क्या नाम है यार? गजब सा नाम है इनका तो। भाई साहब का मुझे नहीं पता जरा। Someone sank a naval cargo ship off the coast. Then the entire archipelago overall went dark. Now we were sent here to figure out what happened. Next thing we know, choppers were taken down. मैंने एक चॉपर को देखा कि बीज जो है बटरफ्लाई वो मतलब आई थिंक मुझे लगा वो बटरफ्लाई नहीं बोल रहा मैं मधुमक्खी है जो कि चॉपर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रही है. बाकी को हमें नहीं पता. अभी इसने थोड़ी देर पहले जब बात की तो उसने ये चीज बताया कि वोल्फ नाम के बंदे हैं जो काले काले कपड़े में आपको दिख रहे थे ना, वो उन्हें वोल्फ कहा जाता है. वोल्फ अच्छा नाम रखा है. Okay. Not exactly the libertarian utopia J-Skill advertised. All right. Where can I find J-Skill? The head of Skelltech himself. We haven't seen him, but his drones are keeping an eye on his islands. So you think he's still a part of this? We're just not sure why. All right. Well, I'll put figuring it out on my to-do list. For now, let's see our wounded. Yeah. One of your guys needs to rest, but he won't shut up. Come in down. I think हमें अभी कॉल किया था ना रेडियो पर, इसी ने कॉल किया था हमें. इसी का नाम क्या है? Maria Sklooze. और उस बंदे का नाम क्या है? ये दोनों लगता है बाप बेटी हैं. उस बंदे का नाम भी आखिरी टाइटल जो था वो Sklooze टाइप का ही लिखा हुआ था. जो भी है शायद, सॉरी अगर मैं गलत पढ़ रहा तो. ओके तो काम हो गया हमारा. ये क्या है? LMP कंप्रेशर. व्हाट इज दिस? वाओ नाइस. अलग अलग तरह के अटैचमेंट लगा सकते हैं हम. बढ़िया यार. ARS सब प्रेशर, मजल्स फिलहाल सब प्रेशर ही रहने देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है. ऑल राइट, वेपन लोकलाइज्ड व्यू. ओके वेपन्स भी मिले हमें. वाओ नाइस. पिन ठीक है. और कुछ भाई साहब? हो गया. ही इज इन Airborne Infirmary. What I mean, I don't know. Okay, तो जरा यहाँ घूमते फिरते आइए, देखते हैं क्या चीज़ें है ये. क्रॉप ओके. यहाँ पे इनका दुकान है, शॉप है. ओके तो हमें यहाँ जाना है. Who he is Airborne Infirmary. कौन है? इसके पास शॉप है, जरा देखते हैं यहाँ पे कुछ खरीद सकते हैं हम. सी शॉप. टॉक टू Maria. ओके हम यहाँ कुछ खरीद सकते हैं. वाओ नाइस. वाओ अच्छी अच्छी गन्स है. फिलहाल हमारे पास तो 560 है. जो भी इसे चाहिए, ये पैसे हैं या जो भी है यहाँ पे ले लेते हैं. इसमें भी ये तो नहीं ले सकते और ये भी नहीं ले सकते. ये गन तो हमारे पास आई थिंक है और ये गन नहीं है हमारे पास. एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है, रेंज इसकी बहुत कम है. लेकिन इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है. रिकॉल स्पीड से ले लेते हैं. इसके पास और भी कुछ है क्या? चाकू वगैरह, ब्लेड्स वगैरह. वाव स्कोप भी बहुत सारे हैं इनके पास. नाइस. फिलहाल तो हमारे पास कुछ है ही नहीं. अच्छा ये सब कैरेक्टर्स हम ले सकते हैं. वॉकर अपीयरेंस ये 1000 में मिलेगा हमें, बाद में लेंगे ये वाला. वाव नाइस. ब्लेड्स वगैरह कुछ ले सकते हैं हम? चाकू वगैरह भाई साहब नहीं, अभी फिलहाल ये सब कुछ नहीं एक्टिव है गाइस. ओके बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी. ओके फिलहाल मुझे ये चीज़ चाहिए. गन्स दे दो मुझे. गन्स ले रहा हूँ, स्कोप नहीं, गन चाहिए गन. अरे ये रही. All right. Looks like that's all we are to these bastards. Thank you. No. ठीक है गाइस तो
आज यहीं तक कर देते हैं। ये इंट्रो मिशन था, नॉर्मल सा, कोई ज़्यादा मतलब इधर उधर हमें भी कुछ कहानी ज़्यादा पता नहीं चली, थोड़ी सी पता चली कि बस थोड़ी सी बस ही है। अगले एपिसोड में और बताऊंगा जो जो पता चलेगा हमें। तो एक एपिसोड से प्लीज़ आप लोग मत इसे जज करना, आगे और एपिसोड देखना। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना यार, और अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करना अगर यहाँ तक देख चुके हो तो। तो ठीक है, तो फिलहाल रखते हैं और फिर कल इन भाई साहब से बात करेंगे, देखते हैं ये क्यों सोए पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए यार अपना ख्याल रखिए और कृपया करके ठंड से बचिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, वॉच करने के लिए। लव यू।